Hello learners, and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And देखिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं 8 जनवरी 2019 के डेली करेंट अफेयर्स क्विज. अगर आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट PCS और अन्य जिस भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स को के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं. दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाई मी नैना दुबे. सो देखिए हम क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर रहे हैं 8 जनवरी 2019, और करंट अफेयर्स आप मुझे बताइएगा कि किस शहर में महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दिवस कब मनाया जाता है. एंड द लास्ट वन, किन्हें पोलावरम परियोजना के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली पुरस्कार 2019 मिला है. ठीक है, तो आज के बनते हैं 3 क्वेश्चन. आप इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर्स मुझे कमेंट में बताइएगा, और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस के आंसर्स के जो मैंने 7 जनवरी को पूछे थे. तो देखो मैंने आपसे पूछा था कि किस राज्य में मेघा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 का आयोजित किया जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश में की जाएगी. और राज्य के बाद अगर शहर की मैं बात करूँ ना तो ये ग्रेटर नोएडा में होगी, ये भी आप ध्यान रखिए. नेक्स्ट है, कौन माउंट विंसन जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई हैं, तो इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा. एंड द लास्ट वन, कौन सा राज्य एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की जो रैंकिंग है उसमें सबसे ऊपर है, तो ये है आंध्र प्रदेश. अब कल के क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स देखे थे, मतलब मोस्ट ऑफ देम आप लोगों के आंसर्स बिल्कुल सही थे, तो ये बहुत अच्छी बात है. कि और बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं देखती हूँ कि वो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और उनके कमेंट्स रेगुलर आते हैं, तो थैंक यू सो मच आपके इनकरेजमेंट के लिए. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. एंड कल मैंने जनवरी फर्स्ट वीक के, आप देख पा रहे होंगे कि कल हमारे तरफ से एक वीडियो अपलोड हुई है, तो उससे आप रिविजन्स कर सकते हो पूरे वीक के. जिन बच्चों के पास नोटिफिकेशंस नहीं गए हैं ना तो आप जाके प्लेलिस्ट में हमारे चेक कर सकते हैं. जनवरी की फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स की वीडियो आई है, उसमें टोटल 108 क्वेश्चंस हैं. उससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपकी वीडियो बीच में कभी स्किप हो गई है तो आप वहाँ उसे देख सक रहे हैं. ठीक है, और आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर पाएंगे. अनअकैडमी ऐप पर नैना दुबे के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं. अब हम शुरू कर रहे हैं अपना डेली करंट अफेयर्स क्विज, और आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है ये कह लीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन हमें हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़ी स्वर्ण जातियों के लिए कितने परसेंट आरक्षण को मंजूरी दी है, आज की सबसे बड़ी खबर. और देखिए ये कि जनरल कैटेगरी को भी 10% रिजर्वेशन मिल गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए. एटलीस्ट जनरल कैटेगरी के जितने लोग हैं हम लोग तो बहुत ही खुश है कि हाँ 10% तो आरक्षण मिली कम से कम. तो देखिए 10% के आरक्षण मिली है, तो ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे ए 10%. जैसे कि हम क्वेश्चन में बात कर रहे थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़ी स्वर्ण जातियों के लिए कितने परसेंट आरक्षण को मंजूरी दी है, तो ऑप्शन हो जा रहे हैं 10%. अब चलते हैं इसमें थोड़ी सी डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, बहुत अच्छा है. हमारे देश के जितने भी जनरल कैटेगरी है उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि चलो 10% भी तो मिली, क्योंकि इसकी भी उम्मीद नहीं थी कि जनरल को रिजर्वेशन मिल जाए कभी. ठीक है, अब थोड़ा समझो इसमें. देखो हमारी यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं मोदी जी के द्वारा, ये घोषणा कर दी गई है कि जनरल कैटेगरी मतलब स्वर्ण जाति मतलब जनरल कैटेगरी के जो पिछड़े हैं, मतलब आर्थिक रूप से जो बहुत ही ये कह लीजिए कि गरीबी रेखा में पाए जाते हैं, तो इनकी आर्थिक स्थिति जो ठीक नहीं है उन बच्चों को जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उन्हें 10% के आरक्षण मिलेगी. अब कहाँ कहाँ मिलेगी, उन्हें जॉब में भी मिलेगी, जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं ना जहाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं वहां बिल मिलेगी. और उसके अलावा मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटीज में आप जब पढ़ाई करने जा रहे हो ना, तो वहां भी अगर कोटा है तो उस रिजर्वेशन में आपको भी मिलेगा, उस 10% में जनरल के बच्चों को भी मिलेगा. ठीक है, अब देखो पहले क्या होता था, पहले हमारे देश में SC ST बैकवर्ड और डिजेबल पर्सन के लिए रिजर्वेशन है. ठीक है, तो अब क्या हो गया है, अब जो 10% है वो जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग के लिए भी हो गया है. चीज़ें क्लियर हो गई. अब देखो, अब ये नहीं है कि यूनियन कैबिनेट ने कह दिया है तो उसके लिए क्या होता है कि संसद में ये पारित होता है उसके बाद ही फाइनल मुहर लगती है ना, तो उसके लिए अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं कि ये इसमें संसद में आर्टिकल जो हमारा है
15 और 16 उसमें ये पारित होंगी, उसके लिए पहले बिल राज्यसभा के पास जाएगी, फिर लोकसभा के पास जाएगी, फिर राज्यसभा के पास जाएगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगी। इसमें डिटेल में हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियोस में इस टॉपिक को लेकर। बैठा अभी के लिए आप इतना जानिए कि ये बहुत अच्छी खबर है जनरल कैटेगरी के लिए कि 10% की आरक्षण मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज, जिसे मंकी फीवर भी कहा जाता है, के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए ये राज्य है आपका कर्नाटक, ऑप्शन हो जा रहा है हमारा डी कर्नाटक। देखिए कर्नाटक में ये पाया गया है कि वहाँ का जो शिवमोगा जिला है, एक वहाँ क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ एक पाई जा रही है। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ का नाम है ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस डिजीज़ को, जिसे हम मंकी फीवर भी कह रहे हैं, वहाँ 6 लोगों की मौत हो गई है। तो ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है और ऑप्शन है डी। अब इसके बारे में आप ये जान लीजिए कि ये कर्नाटक में, मतलब ये समझ लीजिए कि फिर से उभरता हुआ एक पशुजन्य रोग है, मतलब पशुओं से फैल रहा है। इसका मतलब है कि ये बीमारी एक बीमार या हाल ही में कोई मरे हुए बंदर के संपर्क में आने से कोई मानव में संक्रमित हो रही है, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। और इसमें जो वायरस है ना, उसका नाम है, आप यहाँ देख पा रहे हो, मैंने यहाँ ऐड किया है, मंकी फीवर आखिर हो क्यों रही है। ये कर्नाटक के शिवमोगा जिले में हो रही है, जो क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज के नाम से जानी जाती है। और ये जो KFD है, ये कर्नाटक में एक बार फिर से उभरता हुआ पशुजन्य रोग है। और इसमें जो वायरस है ना, ये है फ्लैविरिडी वायरस, इसका नाम आप याद रखिए। और ये बीमारी, जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि एक बीमार या फिर हाल ही में कोई बंदर है, उसकी मौत हो गई है और उसके संपर्क में कोई इंसान आ जा रहा है, तो उससे ये संक्रमित हो रही है, ये बीमारी संक्रमण इसका फैल रहा है। तो चीज़ें क्लियर हो गई। बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो देखिए ये की जाएगी नई दिल्ली में, ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे बी नई दिल्ली। एंड स्वामी हरिदास तानसेन कि ये 18th एडिशन जो होने वाली है, ये 10 जनवरी को आयोजित होगी। और भारतीय कला के प्रति जितने भी यूथ हैं, उन्हें अट्रैक्ट करना इस महोत्सव का उद्देश्य है, ठीक है। देखिए ये 16वीं शताब्दी के जो कवि थे स्वामी हरिदास जी, और संगीतकार जो मियां तानसेन जी थे, ये इनको समर्पित ये तानसेन संगीत नृत्य समारोह है। हरिदास जी कवि थे, तानसेन जी संगीतकार थे, तो कंफ्यूज नहीं करना है कि दोनों एक ही नाम है, हरिदास तानसेन, ठीक है। बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। किससे शेख हसीना ने किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो देखिए ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई है 4थी बार, ठीक है। और 7 जनवरी को इन्होंने शपथ ली है, और वहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद ने इन्हें शपथ दिलवाई है। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। कौन सा देश एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, दैट इज़ ATP कप पुरुष टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल की मेज़बानी करेगा? तो देखिए ये है सिडनी, ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे ए सिडनी। जो पहले 24 टीम वाले एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स कप पुरुष टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल की मेज़बानी करेगा, और ये 3 जनवरी 2020 से खेला जाएगा। ये चीज़ें कही गई हैं इसके बारे में, तो ऑप्शन है ये सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने 70-पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स की शुरुआत की है? 70-पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स ये क्या है? पहले तो हमको ये समझना है कि ये क्या है 70-पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स। तो देखिए राज्य द्वारा पेश की जाने वाली स्कूली शिक्षा को गुणवत्ता का आकलन करने के लिए, समझ में आ रही है, जितने भी स्कूल्स की जो एजुकेशन होती है, अब उसकी क्वालिटी जांचना है कि मतलब वो कितनी लेवल तक अच्छी है, उसके लिए ये 70-पॉइंट ग्रेडिंग इंडेक्स की शुरुआत की गई है। ये क्या करेगी, राज्य के प्रदर्शन की ग्रेडिंग की जाएगी, ग्रेड मिलेंगे उन्हें, जिससे राज्यों को मान लीजिए कि 70 मानकों पर 1000 अंकों में से अंक प्रदान किए जाएंगे, समझ आ रही है चीज़ें। और ये हर राज्य के प्रदर्शन की सही जानकारी देगा, ठीक है। तो ये किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, तो ऑप्शन हो जा रहे हैं ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव को किस शहर में शुरू किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हो गई है, हुई थी अहमदाबाद में, ऑप्शन हो गए डी।
अहमदाबाद, ये गुजरात में पड़ता है। देखिए गुजरात में ये 9 दिनों तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव जो है ये 6 जनवरी 2019 को शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अहमदाबाद के जो साबरमती रिवर फ्रंट है ना, वहाँ शुरू किया गया था। ये इसका 30वां एडिशन था, 30वां संस्करण था। एंड एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि इसमें मकर संक्रांति जो मनाते हैं ना, ये उस मकर संक्रांति पर्व का एक हिस्सा भी है। ये भी कहा जाता है कि जब सर्दी के दिनों से गर्मी के दिन आने लगते हैं, मतलब सर्दियां जब गर्मी में बदलने लग रही हैं, और मकर संक्रांति में आपने देखा भी होगा कि पतंग उड़ाने की भी एक प्रथा है, तो इस तरह से आप इसे समझ पा रहे हैं। इसमें 45 देशों के 150 से अधिक पतंगबाज भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बता दिया कि चीज़ें याद रखनी, ये 9 दिनों की है, 6 जनवरी को शुरू हुई थी, ये 30वां एडिशन है। एंड गुजरात के बारे में आप ध्यान रख पा रहे हैं कि वहाँ की मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जी, और वहाँ के गवर्नर हैं ओपी कोहली जी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं हम। और आप यहाँ देख पा रहे हैं इस पतंग महोत्सव का नज़ारा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्होंने टाटा ओपन महाराष्ट्र में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टू टेनिस खिताब जीता है? तो टाटा ओपन महाराष्ट्र में, ये पुणे में आयोजित हुई थी। ठीक है, पुणे में 5 जनवरी को ये आयोजित हुई थी, और इन्हों और रोहन बोपन्ना और दिविज शरण इन दोनों शख्स ने एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल टू टेनिस खिताब जीता है। ठीक है, तुम्हारे ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाते हैं। अब कंफ्यूज मत करिए कि मैम दोनों ऑप्शन तो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, तो देखिए कोई एक ऑप्शन आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो याद दोनों को रखना है कि इन दोनों शख्स को ATP टूर टेनिस खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, और इन्होंने ब्रिटेन के प्लेयर को हराया है। देखिए, इन्होंने ल्यूक ब्रम्ब्रीज और जॉनी ओमेरा को हराया है। इन दोनों को हरा के इन लोगों ने खिताब जीता है। चीज़ें क्लियर हो गई, ऑप्शन हमारे हैं ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आप यहाँ देख पा रहे हैं पुणे में आयोजित ATP वर्ल्ड टूर की नज़ारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं, किन्होंने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? राष्ट्रीय महिला जूडो चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, और इनका नाम है रानी। अब ये कौन है? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है ना, वहाँ की 5वीं भारतीय रिजर्व बटालियन की महिला है, हेड कांस्टेबल है वहाँ की, और इन्होंने 5 जनवरी को 78 kg की कैटेगरी में गोल्ड जीता है, और इन्हें आप ये कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जूडोका भी घोषित किया गया है। और ये जो आपकी जूडो चैंपियनशिप हुई थी ना, ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, किन्होंने हॉपमैन कप जीता है? पहली चीज़ तो क्लियर कर लो कि हॉपमैन कप किस गेम से रिलेटेड है। तो देखिए, ये टेनिस की कप है। ठीक है, टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस टूर्नामेंट में हॉपमैन कप दिया जाता है। चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो, ये हॉपमैन कप जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था, और अब ये किसने जीता है? तो ये जीता है रॉजर फेडरर एंड बेलिंडा बैनकिंग, ये दोनों स्विट्जरलैंड के हैं, ऑप्शन ए एंड बी। अब इसमें भी दो ऑप्शन है, अब इसमें ये ध्यान दीजिए, देखिए रोजर फेडरर जो है ना, ये 3 हॉफमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इनके बारे में आप एक चीज़ ये याद रख सकते हो, और इन्होंने जर्मनी के एंजेलिक कर्बर और अलेक्जेंडर जवेरेव को हराया है, इन दोनों को इन्होंने हराया है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे ए एंड बी, इन्होंने जीता है। और ये आप ध्यान रखिए कि जैसे ये स्विट्जरलैंड के दोनों खिलाड़ी हैं, ठीक है, और स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है बर्न, और हॉफमैन कप जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुई थी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं रॉजर फेडरर एंड बेलिंडा बैनकिंग को इस पिक्चर में, ठीक है, हॉफमैन कप लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं, रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप किनके द्वारा लॉन्च किया गया? अब कुंभ मेला जो लगने वाला है, बहुत ज़ोर शोर से और बहुत ही अच्छी सुनहरी तरीके से इसकी तैयारी की जा रही है। ये 15 जनवरी से जो स्टार्ट होने वाली है प्रयागराज में, इलाहाबाद का नाम बदल गया है और प्रयागराज रखा गया है। तो रेलवे कुंभ सेवा मोबाइल ऐप जो है ना, ये रेलवे मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की जा रही है। ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे बी और देखिए, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा इसे लॉन्च किया गया है ताकि एक तरह के मार्ग निर्देशक में ये मदद करेगी प्रयागराज में। जितने भी मेला स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं ये उसकी जानकारी देगी, और ट्रेन टिकट के लिए एक लिंक भी उपलब्ध कराएगी ताकि वहाँ से आप अपनी टिकट बुक कर पाओ। तो ये सारे इसके एडवांटेज है इस रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप के। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सीमांत और आर्थिक रूप से पिछड़े ब्राह्मणों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अनावरण किया है? पहला तो हम समझ गए कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण मिलेंगे, ये तो पक्का हो गया। अब देखो इसी तरह का एक और न्यूज़ आया है कि ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो चंद्रबाबू नायडू जी जो हैं ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ऑप्शन तो हो जा रहे हैं हमारे बी, आंध्र प्रदेश। अब देखिए इन्होंने कहा है ना कि वो पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े जितने भी ब्राह्मण हैं उनके लिए ये कल्याणकारी योजनाओं का अनावरण किया है इन्होंने। अब इसमें क्या क्या है तो हम ये भी देख लेते हैं, ऑप्शन तो हो जा रहे हैं बी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी जो है ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे हमने बात की कि 10% रिजर्वेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसी तरह ब्राह्मणों को यहाँ ये कुछ सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जैसे कि बेरोजगार ब्राह्मण युवा जो है उन्हें कार ऋण और सब्सिडी का वितरण करना, ड्राइवरों के रूप में प्रशिक्षण लेने वाले ब्राह्मण युवाओं को पहली बार मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर दी गई है, ब्राह्मण युवकों को 4 जनवरी को 30 कारें बांटे गई हैं, कुल ऑन रोड कास्ट में युवाओं ने डीजल चलाने वाली कारों की कीमत का 10% भुगतान किया है केवल, सरकार ने ब्राह्मणों के लिए कम से कम आधा दर्जन योजनाएं शुरू की है और लगभग 10,000 गरीब ब्राह्मणों को ऋण और सब्सिडी दी गई है। आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एक ब्राह्मण निगम की स्थापना की है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए ये इम्पॉर्टेंट है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, कोचिंग, उद्यमिता, कौशल विकास और कल्याण और संस्कृति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके ब्राह्मण परिवारों के गरीब लोगों की मदद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए 3 लाख रुपये तक के ऋण पर 0% ब्याज की घोषणा कर दी है? तो देखिए मिशन शक्ति योजना ये लॉन्च हुई थी 2001 में, इसके तहत क्या होगा कि स्वयं सहायता समूह वो महिलाओं, देखो ये महिलाओं का एक ग्रुप है जिसमें ये कह लीजिए कि अपनी सहायता खुद करिए आप, उसके लिए 3 लाख रुपए तक के ऋण मिलेंगे 0% इंटरेस्ट पे, तो ये घोषणा की गई है उड़ीसा की सरकार के द्वारा, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने 5 जनवरी को ये घोषणा की है। इससे 70 लाख महिला को लाभ मिलेगा और इसके लिए ये कह लीजिए कि 6 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए इन्होंने ये कह दिया है कि 3 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 0% इंटरेस्ट होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें उड़ीसा के द्वारा की गई, ऑप्शन हो जा रहे हैं डी उड़ीसा, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी और वहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मिशन शक्ति के बारे में आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, 70 लाख वुमेन जो सके मैंने कहा कि इससे बेनिफिटेड होंगी एंड ये सारी चीज़ें हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 फीट ऊंचे पोल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? तो देखिए ये 2 जनवरी को हैदराबाद में जो सिकंदराबाद स्टेशन है ना, ये हमारे ये कह लीजिए कि 100 फीट ऊंचे पोल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, तो ऑप्शन हो जा रहे हैं हमारे ए, ये हैदराबाद में पड़ता है और दक्षिण मध्य रेलवे जोन का ये पहला रेलवे स्टेशन बन गया है और रेलवे पुलिस फोर्स जो है ये इसे संरक्षित करेगा, मतलब इसका ध्यान रखेगा। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं ये रेलवे के आदेश के अनुसार सिकंदराबाद जो रेलवे स्टेशन है ना ये पहली रेलवे स्टेशन बन गई है जिन्होंने 100 फीट ऊंची पोल पर राष्ट्रीय ध्वज को फहरा दिया है, ये 100 फीट ऊंची पोल है। ठीक है, तो देखो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स 8 जनवरी 2019 के, एंड थैंक यू सो मच।